हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों, इसके पहले मैं कोशिका एंड उत्तक के सभी पार्टों के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस तरह मेरा ये सीरीज चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इस सीरीज के पूरा होने के बाद मैं किनेसियोलॉजी यानी शरीर की विभिन्न गतियों के बारे में, उत्तोलक क्या है, बल कैसे कार्य करता है और प्लेन क्या है, अक्ष क्या है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए एकदम बिल्कुल फैक्ट होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उत्तक और कोशिका के सभी पार्टों की महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं आज का टॉपिक मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों, मानव कंकाल जो है वाह एंड अंत दो भागों में डिवाइड हुआ है। जैसे वाह कंकाल में हमारा नाखून एंड बाल आ जाएगा। नाखून एंड बाल जो है क्रिएटिन प्रोटीन से बना होता है। कभी कभी पूछ देता है कि नाखून एंड बाल किस में आते हैं, तो वाह कंकाल में आते हैं और किस प्रोटीन से बना हुआ है, तो क्रिएटिन प्रोटीन से, ठीक है। एंड अंतः कंकाल में हमारा जितनी भी 206 हड्डियां हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अंतः कंकाल है वो दृढ़ संयोजी उत्तकों से बना हुआ है, ठीक है। दृढ़ संयोजी उत्तक यानी अस्थि और उपास्थि से बना है, यानी अस्थि बोन यानी उपास्थि कार्टिलेज, ठीक है, बना हुआ है। अस्थि उपास्थि के बारे में मैं पिछले वीडियो में बिल्कुल फैक्ट हर एक पॉइंट बताई हूँ, तो आप जाके देख लीजिए। तो अस्थि उपास्थि यानी दृढ़ संयोजी उत्तक अस्थि उपास्थि से बना हुआ है और इसका 38% भाग आसीन प्रोटीन से और 62% भाग कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कार्बोनेट लवण से बना हुआ है। दोस्तों, जो कैल्शियम फास्फोरस है यह मुख्य रूप से हड्डियों को कठोर बनाए रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि हड्डियों को ठोसपन यानी कठोरता कौन प्रदान करता है, तो कैल्शियम फास्फोरस, ठीक है। इसका कार्य क्या है, जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर को सहारा एक ढांचा प्रदान करती हैं और भीतरी अंगों की जितनी भी भीतरी कोमल अंगे हैं, चाहे वो हमारा हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत बड़ी आंत, इन सब भीतरी अंगों की वो सुरक्षा करते हैं। एंड शरीर की लंबी अस्थियां जो है उत्तोलक का कार्य करती है एंड गति का कार्य करती है। जैसे कि खेल को खेलते समय हमारा अंग किस ओर कितना अंश पर मुड़ेगा, कितना अंश पर किस तरफ मोड़ना है बाल को, इस सब का कार्य हमारा लंबी अस्थियां अस्थियों का ही काम है। और लंबी अस्थियों के खोखले भाग में बोन मैरो का निर्माण होता है, ठीक है, और उसी बोन मैरो से आरबीसी का भी निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट है अस्थियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। दोस्तों, इस वीडियो में यानी पार्ट वन है कंकाल तंत्र का, इसमें अस्थियों की वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के बारे में बताएंगी। एवं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे शरीर के अंदर 2 से 6 हड्डियां पाई जाती हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उसका एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगी जो आपके अध्ययन के लिए वेरी सिंपल होगा, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक अध्ययन करते हैं अस्थियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। दोस्तों, आकार एवं आकृति के आधार पर हमारे मानव शरीर के अस्थियों को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, चौड़ी चपटी यानी फ्लैट बोन, बेडोल अव्यवस्थित इरेगुलर बोन, सिजेमोइड बोन। तो चलिए पांचों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में इससे जरूर सवाल पूछे जाते हैं कि सिजेमोइड बोन कौन है, बेडोल अस्थियां कौन है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि आकार एवं आकृति के आधार पर अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो पहला है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जो है ये हमारे हाथों पैरों में पाया जाता है, ठीक है। ये लीवर का काम करती है, उत्तोलक का काम करती है। जैसे कि यदि हम गोला फेंक में अपने शरीर का यूज कर रहे हैं तो कितने अंश पर
कितने कोण पर हमको उसको फेंकना है। इस तरीके का काम जो है ये हमारी लंबी अस्थियां करती हैं, ठीक है। और ये हाथों पैरों में पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये हाथों में और पैरों में फीमर, टिबिया, फिबुला आदि, इन सब लंबी अस्थियां होती हैं। ऐसे इसी लंबी अस्थियों को खोखले भाग में अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे हमारे रक्त कणिकाओं का जन्म होता है। एंड एक खोखली होती है, ठीक है, लॉन्ग बोन। दूसरा है शॉर्ट बोन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा कि हमारे हड्डियाँ उत्तोलक का काम करती हैं, कौन सी हड्डी है, तो लॉन्ग बोन, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन जो है ऊपर से कठोर या भीतर से खोखली या तिकोनी होती है, ठीक है। ये हमारे हाथों की कलाई यानी कि ब्रिस्ट के कार्पस एंड टखने यानी एंकल जो होता है हमारे पैरों का एड़ियों के बीच में, वो टार्सस हड्डी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, संबंध ये क्या करता है, शॉर्ट बोन जो है संबंधित अंगों को ताकत प्रदान करता है, ठीक है। संबंधित जैसे हमको हाथ को मोड़ने में हमारी कलाई ब्रिस्ट जो है ताकत प्रदान करती है, हमारे खड़े होने में हमारी टखना ताकत प्रदान करती है। नेक्स्ट है फ्लैट बोन, यानी फ्लैट मतलब चौड़ी चपटी बोन, ठीक है। और चौड़ी चपटी बोन जैसा कि कहने से ही पता चल जा रहा है कि वो कौन सी बोन होगी, तो ये जो फ्लैट बोन होती है ये तीन परत की होती है। इसमें इसकी दो परतें जो है सघन अस्थि ऊतक की बनी होती है एंड बीच वाली परत स्पंजी ऊतक की बनी होती है। ये फ्लैट बोन जो है वहां पाई जाती है जहां सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा कपाल हो गया, पसलिया हो गया, इसके पुला हो गया, ये फ्लैट बोन में आती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से देखिए इसको और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को दो तीन बार देखने से आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा है बिडोल, यानी अव्यवस्थित इरेगुलर बोन, ठीक है। कभी कभी हिंदी में ना देख करके इंग्लिश में भी देगा तो दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किनेसियोलॉजी के सभी वाक्यों के इंग्लिश वर्जन को भी आपको जरूर ध्यान देना होगा, इंग्लिश वर्ड को ध्यान में रखना होगा। कभी कभी सेम उसी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख के दे देता है, इसलिए यह ध्यान रखने योग्य बात है। कभी बेडोल अव्यवस्थित हड्डी न बोल करके इरेगुलर बोन बोलेगा कि चेहरे की, यह जो है इरेगुलर बोन जो है बेडोल अस्थियाँ जो है चेहरे की अस्थियाँ और हमारे रीढ़ की हड्डियाँ जो है बेडोल अस्थियों में आती हैं, यानी इरेगुलर बोन में आती हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि हमारे चेहरे की अस्थियाँ किस प्रकार की अस्थियाँ हैं, यानी रीढ़ की हड्डियाँ किस प्रकार की अस्थियाँ हैं, तो हमारे बेडोल अव्यवस्थित वाली हड्डियाँ हैं यानी इरेगुलर बोन है, ठीक है। या तो इस प्रकार से पूछेगा कि इरेगुलर यानी बेडोल अस्थि के उदाहरण बताइए, तो चेहरे की कुछ अस्थियाँ या रीढ़ की हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा है सीजियोमायोइड बोन। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको पूछा जाता है सीजियोमायोइड बोन को, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ता है याद करने में। तो ये जो सीजियोमायोइड बोन है कंडरा यानी टेंडन्स, जिसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, टेंडन्स लिगामेंट्स दोनों के बारे में। तो टेंडन्स वो होता है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, लिगामेंट्स वो होता है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ों पर जोड़ता है, ठीक है। तो ये जो है सीजियोमायोइड बोन जो है टेंडन्स यानी कंडरा में विकसित होने वाली एवं जोड़ों के आसपास से गुजरने वाली हड्डियां इसमें आती है, तो इसीलिए इसको कंडरास्थि भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी सीजियोमायोइड न बोल करके कंडरास्थिया भी बोल देगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसलिए कंडरा में विकसित होने वाले जोड़ों के आसपास से गुजरने वाली हड्डियां इसमें होती है, यानी कि जहां जहां जोड़ पाई जाती है उनके आसपास की हड्डियां सीजियोमायोइड में होती है। जैसे कि हमारा घुटना हो गया, जो घुटने पर जो पटेला होता है ना ढक्कन नुमा, वो हो गया, और हमारे हाथ पैर के जोड़ों जहाँ वहाँ की हड्डियाँ, तो इसमें सबसे बड़ी सीजियोमायोइड बोन में सबसे बड़ी हड्डी हमारा पैर की जो घुटने का जोड़ है वहाँ पे पटेला पाया जाता है, वो सीजियोमायोइड बोन में सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। तो दोस्तों ये था अस्थियों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट से कोई न कोई एक या दो क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। दोस्तों मेरा क्वेश्चन है अस्थियों से संबंधित कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन है, हमारे शरीर की सबसे
छोटी अस्थि कौन है एंड हमारे शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 206 हड्डियों की बात करूंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम शॉर्ट में बताऊंगी। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आई होप कि आप अस्थियों के वर्गीकरण के बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे। आप इस पॉइंट से जो भी क्वेश्चन आएगा आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से ये नॉलेज उन तक भी पहुँच सके। एंड यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।